की ओर से नमस्कार करते हुए शुरू करता हूँ आज का मनोरंजन। सिर्फ मनोरंजन तो फिर जनरंजन, सिर्फ जनरंजन तो फिर नृत्य गीत और अभिनय के छौक के साथ कहानी व्यंजन का परिवेशन, यानी दो पौड़ी का खेल। एक महान खिचड़ी पकाकर परोस रहा हूँ महर्षि, इसे चखिए, दो घंटे तक झेलिए, हजम हुए तो टिकट के पैसे वसूल, लेकिन हुई बदहजमी तो निश्चय जानिए होगा भी कसूर। फिर अंग्रेजी लीजिए, होम्योपैथी कीजिए, चाय लीजिए आयुर्वेदी, लेकिन टिकट का पैसा मत मांगिएगा प्रभु। Oh,
जी जान दे दे। मरी है माँ, सांड की तरह चिल्ला रहा है। गलत पाप से हमारे खतरा ना है। जवानी में क्या बनता है कोई दासी। तुम तो मेरे दिल की वासी। फिर भी
टॉलरेट तक ना कर सकी, ना ले सकी आपकी भलाई। फैलना जाना पापा, गुस्सा मत करना मम्मी, जहां भी रहूंगी रहूंगी सिर्फ तुम्हारी मुन्नी। शाबाश, क्या हिंदी फिल्मों का डाला, शाबाश बंदा की पत्नी। जा रही हूँ पापा, जा रही हूँ मम्मी, जैसे भागी थी संयुक्त था पृथ्वीराज का हाथ। उसी
राजा ने टीवी पर ट्रॉली पर माचिस बीड़ी के लेबल पर लिखवाया, दो बच्चे घर में थे। इसी तरह अपने बिजनेस को समय समय पर बदलना पड़ता है, क्योंकि आज इंसान का दिल बेरहम हो चुका है। माँ बाप को दागने के लिए हाथ पलाने से हाथ नहीं भरता, लंगड़े की कोई परवाह नहीं करता, सूरदास की कोई छोली नहीं भरता। यानी इस भिखारी के बिजनेस की आमदनी बहुत ही घट चुकी है, इसीलिए एक नए व्यापार के बारे में सोच रहा हूँ। सुनहरा मौका फिर मिल गया है। चमेली करते, कैसे नहीं कर? सब भिख मांगी कुकर
से भेजा? काना का नहीं, हम ही उड़त रहे आसमान। अरे इतने ऊपर नहीं, अपने दुतले पर किसे भेजा? अपने दुतले? अरे वही छोड़ा कौन? जो हमको कहता मौसी मौसी। हे भगवान, अब तो मुझे ही लगानी पड़ेगी फांसी। बच्चो बच्चो तुम जाओ जाओ जाओ, चार बार की बात कल, पहले सुनता हूँ घरेलू सवाल। मगर स्वतंत्रता सेनानी कार्यशाला चालू रहेगी कल भी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा से करना है काम। अभी मंत्री जी तुम्हें जाने के सलाह। अब जाओ। अरे ना खा मेरा केचा। क्या भयानक नहीं, डाकू भयानक सिंह। ऊपर लड़की की बात उसे भेजा।